अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 6 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 6.1 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द nth टर्म रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सीक्वेंसेस दी हुई हैं कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि nth टर्म मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये डी जो है ये डिफरेंस है दो टर्म्स के दरमियान का, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, एन जो है वो नंबर है जो लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म का है। ठीक है, nth टर्म यानी जो हमने मालूम करनी होगी ना वो यहाँ पर हम रखते हैं nth टर्म, और nth टर्म का नंबर यहाँ रखते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी एन से। nth टर्म को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है किसके बराबर है, टू के। डिफरेंस हमारे पास क्या है, शुरू की दो टर्म ले लें या उसके बाद की दो टर्म ले लें, तो डिफरेंस कैसे आ जाएगा हमारे पास, फोर माइनस टू करके डिफरेंस कितना आया आपके पास, टू। एन आपको मालूम नहीं है और आपको एन ट्रम मालूम करनी है, तो ये हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू टू प्लस एन माइनस वन डी। तो ये हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू टू प्लस, ये आपके पास क्या आएगा, डी। यहाँ पे आप क्या रखेंगे, टू रखेंगे। ठीक है, तो टी एन हो जाएगा टू प्लस टू एन माइनस टू, माइनस टू प्लस टू कैंसिल, आपके पास एन टर्म क्या आई, टू एन। ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट आपके पास है वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इनका डिफरेंस कैसे निकाले हैं, अगर आप डिफरेंस निकालें, आप सपोज करें डी आप निकाल लें थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो इस सीक्वेंस का आपके पास डिफरेंस आ गया। अभी हम फॉर्मूले बगैर स्क्वायर के पुट करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो आपके पास इस सीक्वेंस का nth टर्म आ जाएगी। कैसे, और ए क्या है आपके पास, यहाँ पे वन सपोज कर लें, तो ये हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन टू, यहां से आपके पास आएगा वन प्लस टू एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल टू, बल्कि यहां से माइनस टू आएगा आपके पास। ठीक है, तो माइनस टू में से वन जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस वन। ठीक है, अभी आपके पास अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे तो ये आपके पास nth टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर आप देखें इसके थर्ड पार्ट में एक नई चीज है, वो क्या है कि 3927, यहां से आप डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते। ये जो है ना आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, इसका आप जो डिफरेंस होगा वो आर से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 9/3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3। इसी तरह 27 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तब भी आपके पास 3 आएगा। और यहाँ पे आपके पास nth टर्म मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है ए आर और एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे ए आपके पास है 3, तो ये क्या हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू 3 इंटू 3, एन आपके पास नहीं मालूम एन माइनस वन। और आपको पता है जब दो बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, इस तरह से ये हो जाएगा 3n माइनस 1, इस 3 की पावर जो है प्लस 1 है, तो आपके पास यहां से क्या बचा 3n, ये आपका आंसर। फोर पार्ट में आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है 2826। ठीक है, अब यहां पे आप ये देखें कि यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, वो क्या
कि ये 2 है ना, आप इसको बराबर लिख सकते हैं 3 की पावर 1 माइनस 1 के, ये क्या आएगा 2, ठीक है। और ये आपका क्या है, t1 है। इसी तरह से ये जो 8 है इसको आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 3 9 माइनस 1 8, ये आपकी क्या है t2। इसी तरह से जो 26 है ये किसके बराबर होगा, 3 की पावर 3 27 होता है, माइनस 1 होगा 26 हो जाएगा, ये आपकी t3 है। तो इसी तरह से आपके पास tn क्या होगा, 3 की पावर चल रही है, ठीक है, n टर्म है तो 3 की पावर n होगी और वो माइनस 1 होगा, तो आपके पास tn आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसका फिफ्थ पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस है 1.2 की पावर 2, 2.3 की पावर 2, 3.4 की पावर 2। अब आप एक चीज देखें, 1.2 की पावर 2 है, इसी तरह से यहां पे एक ऐड हो रहा है और यहां पे भी एक ऐड हो रहा है, उसकी पावर 2 है, ठीक है। और t3 में भी आपके पास देखें, यहां पे भी एक ऐड हो रहा है, यहां पे भी आपके पास एक ऐड हो रहा है। तो tn में आपके पास क्या होगा, तो ये भी n टर्म होगी, ठीक है। और यहां पे आपके पास देखें, इधर आपने देखा एक ऐड हो रहा है, फिर इसमें एक ऐड हो रहा है, इधर भी एक ऐड हो रहा है, फिर इसमें एक ऐड हो रहा है। तो जब यहां पे आपके पास nth टर्म होगी तो डेसिमल के बाद भी उसमें एक ऐड हो रहा होगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ये आपके पास आ गया tn। सिक्स पार्ट में आप देखें 2 5 10। अब आपने यहां का डिफरेंस आपको कैसे मालूम होगा, अब आप इसको यहां पे सपोज करें, ये जो 2 है ना ये बराबर है 1 के स्क्वायर के प्लस 1, समझ में आ रही आपको, 1 के स्क्वायर प्लस 1, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और ये आपका है t1। इसी तरह जो 5 है ना आपके पास, ये किसके बराबर है आपके पास, ये हमने 1 का स्क्वायर लिया, यहां 2 का स्क्वायर कर दें, प्लस 1 करेंगे ये कितना आएगा 5, और ये आपके पास t2 है। इसी तरह आप 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 प्लस 1 करेंगे ये कितना आया 10, और 10 जो आपके पास थर्ड टर्म है। तो इसी तरह nth टर्म आपकी क्या होगी, nth टर्म का स्क्वायर होगा और प्लस 1 होगा, तो ये आपके पास nth टर्म आ जाएगी। 7 पार्ट में देखें, यहाँ पे क्या दिया 1 5 9, और इन सब की पावर क्या है 3। पहले आप बगैर पावर के सॉल्व करें तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ए आपके पास 1 है, फार्मूला हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 5, जो कि आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 5 एन माइनस 5, डिफरेंस आपके पास 4 है, ये हो जाएगा 4n माइनस 4। तो tn आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा 4n एज इट इज 4n माइनस 3, ये आपके पास n टर्म आ गई। पार्ट 8 में आपके पास डिफरेंस क्या आएगा, 9 माइनस 4 माइनस 7.1, तो डिफरेंस आपके पास आएगा 2.3, और आपके पास a है 7.1, फार्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो जनाब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, a आपका है 7.1 प्लस n माइनस 1 2.3, तो ये हो जाएगा 7.1 प्लस 2.3 n माइनस 2.3, तो आपके पास यहां से क्या बचेगा 2.3n माइनस 4.8, ये आपके पास आ जाएगा tn, और ये आपका आंसर है।
नाइन्थ पार्ट में आपके पास सीक्वेंस दी हुई है 0, 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 4। यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि ऊपर वाला और नीचे वाले में देखें आप, कुछ आपको एक सिमिलरिटी दिखेगी। ये नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं ये प्लस हो रही है, ठीक है, और ऊपर वाले जो वैल्यू है ना ये इसमें से एक माइनस हो रहा है और नीचे एक प्लस हो रहा है। तो अगर हम सपोज करें यहाँ पे हमारे पास 0.2 है, अब आपको सही से समझ में आएगा कि यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, ऊपर एक माइनस हो रहा है, ठीक है। 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो टी एन हमारे पास क्या होगा, ऊपर क्या हो रहा है एक माइनस हो रहा है तो एन माइनस वन, और नीचे क्या हो रहा है एक प्लस हो रहा है एन प्लस वन। ये आपकी इलेक्ट्रॉन भाग हुई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में देखें आप, तो हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, 9, 7, 5। तो इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, 7 माइनस 9 जो कि आपके पास आ जाएगा 2, और a आपके पास क्या है 9। फॉर्मूला आपके पास है a प्लस n माइनस 1 d। तो टी एन आपका हो जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 d, आपके पास है -2, टी एन हो जाएगा 9 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा +2, ठीक है, और ये हो जाएगा -2n। तो ये आपका टी एन जो है बराबर आएगा 11 माइनस 2n के। अलेवन पार्ट में आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आप यहां देखें आपके पास है a प्लस x का स्क्वायर। तो आपके पास a जो है वो क्या है, a प्लस x का स्क्वायर। यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर, ए स्क्वायर से पॉजिटिव ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस आपके पास आएगा 2ax। फॉर्मूला आपके पास है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर प्लस एन माइनस वन डी, आपके पास है माइनस 2ax। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होके आपके पास आएगा 2ax माइनस प्लस माइनस 2axn। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 2ax बराबर हो जाएगा प्लस 4ax के, माइनस 2axn एज इट इज आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन ले लें प्लस का 2ax, तो आपके पास यहाँ से बचेगा 2ax माइनस n। ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपके अनेट्रम है और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म्स। हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इन टर्म्स को आपने टी एन के बराबर रखना है, 2n-1 कर देना है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम करनी है, तो आप क्या सपोज करेंगे, n जो है आपके पास है 1, 2, 3, तो आपकी फर्स्ट टर्म किसके बराबर आएगी, 2n की जगह आप 1 रख देंगे, -1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 होगा -1 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। टी वन आपके पास क्या आ गई, 1। इसी तरह से आप टी टू फाइंड करेंगे, 2n की जगह आप रख देंगे 2 -1, 2 टू 4 -1, ये आपके पास आ जाएगी 3।
इसी तरह थर्ड टर्म आप मालूम कर लेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1 2 3 2 की पावर 3 होती है 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो आप लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स आर 1, 3 एंड 7। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है n मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर n माइनस 1, इसको भी आप tn के बराबर सब इक्वल करेंगे n डॉट 2n माइनस 1। तो आप सपोज करेंगे n जो है 1, 2, 3 है, तो आप फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे तो n की जगह 1 आ जाएगा, 2n की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 की पावर 0। और अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो बराबर होता है 1 के, जो कि आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह से आप t2 मालूम करेंगे, n की जगह 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 पावर 1, तो 2 ही रहेगा, 2 टू 2 हो जाएगा 4। इसी तरह से थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी 3 इंटू 2 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 2 टू 4 4 3 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 4 एंड 12 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सॉरी आंसर। थर्ड पार्ट आपके पास है 10 माइनस 3 अपॉन 2 n। यहाँ पे भी आप सपोज करेंगे n जो है 1, 2 और 3 है, तो t1 आपके पास क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 1, जो कि आपके पास क्या आएगा, 3 10 माइनस 3 अपॉन 2। और ये यहाँ से आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 1 20 माइनस 3, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से आप t2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 10 माइनस 3 होगा, ये हो जाएगा 7। इसी तरह आप थर्ड टर्म मालूम करेंगे 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो ये जनाब ये हो जाएगा 10 माइनस 9 अपॉन 2, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास बचेगा 11 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स आएंगी आर क्या क्या है, 17 डिवाइडेड बाय 2 7 11 डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ पार्ट में यहाँ पे माइनस 1 की पावर n है और n की पावर 2 है, तो t1 आपके पास क्या होगा, माइनस 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 की पावर माइनस 1 रहेगी, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1। t2 आपके पास क्या होगा, माइनस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, माइनस 1 की पावर 2 इवन पावर है, नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टू 4। इसी तरह से थर्ड आपके पास टर्म क्या आएगी, माइनस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, माइनस 1 की पावर 3 ऑड पावर है, माइनस 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपके पास माइनस 9। तो आपके पास कौन कौन सी टर्म्स आ गई, माइनस 1, 1 अपॉन 4, माइनस 1 अपॉन 9, ये आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट में आपके पास है n माइनस 1 अपॉन n, तो ये भी आपके पास t1 क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1, और ये हो जाएगा 0 0 डिवाइडेड बाय 1 0। इसी तरह से t2 आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से t3 आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ से आपके पास बचेगा 2 अपॉन 3, तो आप लिखेंगे
first three terms are 0, 1 upon 2 and 2 upon 3. Sixth part आपके पास है 3n plus 4, 2n minus 1. तो first term आपकी क्या हो जाएगी, 3 into 1 plus 4 divided by 2 into 1 minus 1. यह हो जाएगा 3 plus 4, 2 minus 1, यहां से आपके पास आ जाएगा 7, 7 divided by 1, तो 7. इसी तरह से आपके पास t2 है, तो यह हो जाएगा 3 into 2 plus 4, 2 into 2 minus 1. 3 to the 6 plus 4 divided by 2 to the 4 minus 1. तो यह हो जाएगा आपके पास 10 upon 3. इसी तरह से t3 है, तो यह हो जाएगा 3 into 3 plus 4 divided by 2 into 3 minus 1. 9 plus 4, 6 minus 1. तो यह हो जाएगा आपके पास 9 plus 4, 13 divided by 5. तो आप लिखेंगे first 3 terms are 7, 10 upon 3, 13 upon 5. यह आपका answer. 7 part में आपके पास जाएगा 6 minus 5. तो T1 आपके पास क्या हो जाएगा? 6 into 1 minus 5. तो यह हो जाएगा 6 minus 5, 5. इसी तरह से T2 आपके पास हो जाएगा 6 into 2 minus 5. 6 to the 12, 12 minus 5, यह हो जाएगा 7. इसी तरह से T3 आपके पास है, यह हो जाएगा 6 into 3 minus 5. 6 into 3, 18, 18 minus 5 आपके पास होगा 13. तो आपके पास क्या आएं? First, 3 terms are 1, 7 and 13 are your answer. Question number 3 में कह रहा है, find the common difference and the indicated terms in each of the following. ठीक है, तो question number 4 में उन्होंने sequence दिया हुआ है और कह रहा है 8 term मालूम करें. यहाँ पे आपके पास A जो है 4 है, difference आपके पास आएगा 9 minus 4 जो के है 5. ठीक है, डिफरेंस हमारे पास आ गया, 8 टर्म मालूम करनी है, यानी फार्मूला वही है, tn is equal to a plus n minus 1 और d. तो tn n हमें दिया हुआ है कितना, 8 है, 8 टर्म मालूम करनी है, a आपके पास 4 है, प्लस n आपके पास कितना है 8 minus 1, d आपके पास है 5. तो ये हो जाएगा 4 plus 8 into 5, ये आपके पास हो जाएगा 40 minus 5, 44 हो जाएगा, 44 में से minus 5 होगा, तो आपके पास T8 आएगा 39. ठीक है, और difference हमारे पास था 5. इसे second part देखें, second part में आपके पास आपको एक sequence दिया कह रहा है 10 term मालूम करनी है. यहाँ पे आपके पास A जो है 10 है, difference आपके पास 8 minus 10 जो कि minus 2 आएगा. हमने कौन सी टर्म मालूम करनी है, 10 टर्म मालूम करनी है, a हो जाएगा 10 प्लस n हमें दिया हुआ है 10 माइनस 1, d हमारे पास क्या है माइनस 2. तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गई, आपके पास प्लस का 2 आएगा, प्लस माइनस करके माइनस, ये 10 2 से 20 हो जाएगा, और यहां से आपके पास बचेगा माइनस में 8. ठीक है, तो t 10 is equal to minus 8 और डिफरेंस आपके पास है माइनस 2. थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में आपके पास सीक्वेंस दी हुई है माइनस 15 माइनस 22 माइनस 1 कह रहा है 11 टर्म मालूम करें. यहां पे ए जो है आपके पास माइनस 15 है, डिफरेंस आपके पास आएगा माइनस 22 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 22 प्लस 15, आपके पास बचेगा माइनस का 7. फॉर्मूले में पुट करेंगे, 11 टर्म मालूम करनी है, ये आपके पास माइनस 15 है, प्लस n आपको दिया हुआ है 11 माइनस 1, d आपके पास है माइनस का 7. तो ये हो जाएगा माइनस 15 और 11 इनटू 7, ये आपका हो जाएगा
यहाँ से आप अगर करें 11 माइनस 1, ये हो जाएगा 10। 10 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -70, और ये आपके पास आ जाएगा -85। ठीक है, तो 11 टर्म आपके पास आ गई -85, और डिफरेंस आपके पास आएगा -7। फोर्थ पार्ट में आपके पास है a अपॉन 2, a 3, a अपॉन 2, 2a, और आपने मालूम क्या करनी है, 7 टर्म। तो a जो है आपके पास a अपॉन 2 है, डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, a माइनस a अपॉन 2, तो आपके पास बचेगा a डिवाइड बाय 2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो जनाब n आपके पास है 17, तो t 17, ये आपके पास है ए अपॉन 2 प्लस 17 माइनस 1 ए अपॉन 2, ये हो जाएगा ए अपॉन 2 प्लस, यहाँ से आपके पास 16 बचा ए अपॉन 2, 2 यहाँ से आपके पास 8 बचेगा ए अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 8a। ठीक हो गया, यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा आपके पास, ऊपर बचेगा a प्लस 16a, तो यहाँ से आपके पास आएगा 17a डिवाइडेड बाय 2, तो टी 17 आपके पास आया 17 डिवाइडेड बाय 2a, जबकि डिफरेंस जो था आपके पास आया a डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर है। फिफ्थ पार्ट में आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा a माइनस 39b माइनस a माइनस 42b, तो ये हो जाएगा a माइनस 39b माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 42b, माइनस a से प्लस a कैंसिल, माइनस 39b प्लस 42b, तो पॉजिटिव 3b बचेगा हमारे पास, और a हमारे पास है a माइनस 42b। हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है, 15 मालूम करनी है, a हमारे पास है a माइनस 42b प्लस, एन हमें दिया हुआ है 15 माइनस 1 डिवाइड, और डी जो है वो है 3b, तो ये हो जाएगा ए माइनस 42b प्लस 15 माइनस 1, ये हो जाएगा 14 3b, तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस 42b प्लस 14 इंटू 3, ये होता है 42b पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा सिर्फ a, तो टी 15 आपके पास आया a, और जबकि डी आपके पास आया 3b, और यहाँ पर आंसर है। सिक्स पार्ट में आपके पास d क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 अपॉन 2, तो आपके पास यहाँ से डिफरेंस आएगा -1 अपॉन 2, ए आपके पास है 3 अपॉन 2, मालूम कौन सी करनी है, 25th टर्म, तो n आपके पास है 25, तो t 25 आपके पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, n आपके पास है 25 माइनस 1, डिफरेंस आपके पास है -1 अपॉन 2, तो ये जनाब ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ से आपके पास 12 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 12, तो जनाब आपके पास एलसीएम आएगा 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 24, और आपके पास यहाँ से -21 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा t 25, और डिफरेंस आपके पास था -1 अपॉन 2, ये आपका आंसर है। सेवन पार्ट आपके पास है 1.7, 1.4, 1.1, और मालूम आपने क्या करनी है, 21st टर्म, यानी कि आपके पास जो a है वो है 1.7, n है 21, डिफरेंस आपके पास है 1.4 माइनस 1.7, तो ये बचेगा 0.3 माइनस का। ठीक है, कौन सी टर्म मालूम करनी है आपने, 21 मालूम करनी है, ए है आपका 1.7 प्लस एन है 21 माइनस 1 0.3 माइनस का, तो ये हो जाएगा 1.7 प्लस 21 माइनस 1, ये आपके पास हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 0.3 माइनस में, तो जनाब ये आपके पास आएगा 1.7 प्लस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस
20 इंटू 0.3 ये आपके पास आएगा माइनस में 6, तो जनाब आपके पास आएगा माइनस 4.3 T21 जबकि डी आपके पास था माइनस 0.3। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है 2, 3, 1/4, 4, 1/2। तो जनाब आप यहाँ से आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे जो ए है वो तो है 2, डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, 4 × 3 12, 12 + 1 13/4 − 2, तो डिफरेंस यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5/4। मालूम आपने क्या करनी है, 33rd टर्म मालूम करनी है, T33 आपके पास हो जाएगा 2 + 33 − 1 × 5/4, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 + 32 5/4, 4 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 8 से 2 + 8 × 5 = 40, T33 आपके पास आ जाएगा 42 और डिफरेंस हमारे पास था 5/4, ये आपके पास आंसर। नाइन पार्ट में हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 2x − 3x + 1, माइनस रखेंगे माइनस 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 प्लस हो गया प्लस वन होगा, तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा −x + 1 और आपके पास a है 3x − 1 एंड आपके पास है 9, तो T9 आपके पास बराबर आएगा 3x − 1 + 9 − 1, डिफरेंस आपके पास क्या है −x + 1, तो ये हो जाएगा 3x − 1 + 9 − 1 = 8 −x + 1, तो ये होगा 3x − 1 + −−8x + 8, तो जनाब ये हो जाएगा −8x में से 3x जाएंगे तो आपके पास बचेगा −5x, 8 में से −1 होगा तो आपके पास पॉजिटिव 7 आएगा जो कि आपकी T9 हो गई और डिफरेंस आपके पास था −x + 1, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है −0.8 − 0.67 − 0.55 और आपने मालूम क्या करनी है, 33rd, तो डिफरेंस आपके पास हो जाएगा 0 − −0.675 − − हो गया प्लस में 0.8, तो डिफरेंस आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव 0.125। ठीक है, ये आपके पास है −0.8 जबकि n जो है आपके पास है 13, तो T13 आपके पास हो जाएगा −0.8 + 13 − 1 × 0.125, तो ये हो जाएगा −0.8 + 12 = 0.125, यहाँ से आपके पास आएगा 0.8 + 12 को अगर आप 0.125 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है पॉजिटिव 1.5, तो जनाब ये हो जाएगा 0.7, तो T13 आपके पास आया 0.7, डिफरेंस आपके पास आया 0.125, ये आपका आंसर है।